छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। हरवाई छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी पंकज शर्मा आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे महामंत्री ने जिला कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता ली। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों को ठगने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 53 रुपए बढ़ाया गया है, जो प्रतिशत में देखें तो 2.92% है। केंद्र द्वारा की गई चार कथित बड़ी घोषणाओं की है, लेकिन चारों के झूठ और ठगी छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। आज प्रदेश महामंत्री बनने के बाद, राजनांदगांव प्रभारी बनने के बाद मेरा पहली बार राजनांदगांव आगमन हुआ है और मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे अन्नदाताओं के मुद्दों पर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक की है। अभी कुछ दिन पहले ये देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्धि की है, जो किसानों के साथ मैं सोचता हूँ कि एक छल है और इससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है। नरेंद्र मोदी अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं, पर उन्होंने जब 53 रुपये की वृद्धि की और ऐसी घोषणाएं की जो पहले भी जिनके जैसे उन्होंने कहा कि सब्सिडी माफ़ करने के बजाय उन्होंने कुछ समय बढ़ाया है कर्जा पटाने के लिए, तो ऐसी घोषणाओं से किसानों को कोई भी हित नहीं होगा और भाजपा का और नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी चेहरा आप सबके सामने आ चुका है। एक और प्रदेश की सरकार है जिन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के तमाम अड़ंगों के बावजूद अपनी जो घोषणा पत्र में जो घोषणा थी कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान की देने की, उसको राजीव गांधी न्याय किसान न्याय योजना के तहत चार किस्तों में देने की बात जो हमने कही थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। आज मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है और किसान विरोधी हैं। राजीव किसान न्याय योजना में जिन भाजपा के नेताओं को भी लाभ मिला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कम से कम अपनी केंद्र की सरकार को ये कहें कि समर्थन मूल्य में इतनी तो वृद्धि की जाए कि वो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का की बराबरी कर सकें। जिस प्रकार से हमने राजीव न्याय किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को जो अतिरिक्त हमने जो पैसा दिया है, उतना पैसे की घोषणा नरेंद्र मोदी जी करें, हमारी सबकी ये मांग और आज हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे। मठ मंदिर और समस्त पुजारियों की ओर से राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज जी को अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त मठ मंदिर एवं पुजारी गण की ओर से राजश्री महंत रामदास सुंदर जी महाराज जी को अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।